और बताओ अभिजीत दा, अगला कौन आ रहा है? दोस्तों, सुनिधि जी की फैमिली ने अपना घर शहर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी इंडस्ट्री में कुछ नाम कमा पाए। लेकिन हमारी अगली कंटेस्टेंट की फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी गाना सीख पाए, और अब तो वो अपना खर्च उठाने के लिए गाना सिखा भी रही है। प्रेजेंटिंग टू यू कनिका। कैसा लग रहा है आपका ये पहला नेशनल परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पर? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं एक बात सबसे शेयर करना चाहूँगी, आज मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई आए यहाँ पे और बहुत मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया उन लोगों ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई उन लोग के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है। मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहती हूँ और ये एक ऐसा मंच है जहाँ से मैं मेहनत करके आगे जा सकती हूँ और डेफिनेटली वो सपना मैं उनका पूरा कर पाऊँगी। ओके नाउ कनिका, मुझे इतना कहना पड़ेगा एज ए जज ऑफ टोटल ऑनेस्टी कि जितने भी लड़के लड़कियों ने गाना गाया, मुझे ऐसा लगा कि उनकी सिंगिंग इतनी स्ट्रांग थी कि थोड़ा कहीं ना आई फेल्ट यू आर लिटिल लेस देन देम एट दिस लेवल। ना एट दिस लेवल तो यहाँ से आगे बढ़ना है, यू कांट गो बैक। अगर आपको अभी आगे चांस मिलता है ना, यू तुम भी एक कसम खा लो कि मैं इतना सुर से नहीं जाऊँगी, इतना भी गिरूंगी, इतनी कसम खा लो। यू हैव अ स्वीट वॉइस बट द कॉम्पिटिशन इज वेरी फियर्स, बी केयरफुल। ओके, दिस व्हाट आई हैव टू से। जी लाइक अनु जी सेड, आप बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन क्या है ना कनिका, जब बहुत आदत हो जाती है बहुत अच्छा बेस्ट सुनने की, तो उसके बाद थोड़ी भी किसी में कमी हो तो वो खलती ही है। मेरे ख्याल से थोड़ा फोकस आपका इनटू द सॉन्ग नहीं था, ये मुझे आपके बॉडी लैंग्वेज से लगा, यही मैं कहना चाहूंगी। लेकिन यू डिड अ गुड जॉब। या तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना रे, तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना रे, तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना रे, तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना रे। नैनों की चाल है मखमली हाल है, नीची पलकों से बदले समा, नैना शर्माए जो याके भर आए जो, थमके रुक जाए दोनों जहां,
रब की नेमत है तेरी निगाहें, जिसमें बसती है उसकी दुआएं। ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। हो ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, हो तेरे नैना की चाहत धड़कन की, उनके कदमों के हैं ये निशान। चाहे कुछ ना बोलूं, चाहे राज ना खोलूं, ये समझते हैं मेरी जुबान। मुझ पे बरसी जो तेरी निगाहें, मेरी सांसों ने बदली अदाएं। हो ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, मजा आएगी नहीं ऑडियंस? बिल्कुल मजा क्यों नहीं आएगा, बहुत बढ़िया गाया आपने शिवम। थैंक यू सर। हम तो ये जानते ही हैं कि आप सोनू जी के बहुत बड़े फैन हैं। शिवम, सोचिए कि अगर इस वक्त छम से सोनू जी अगर आपके सामने आ जाए तो अगर आ जाते हैं अभी तो उनको जाने नहीं दूंगा। ओके देन शिवम, गेट रेडी, get ready, get ready for next question. एक क्या तुम लोगों ने फिर से मुझे बना दिया उल्लू। अच्छा, काम की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल शिवम, बताओ एक बात, आप सोनू जी के फैन हो, फिर आज शंकर जी का गाना क्यों गाया? सोनू जी का फैन हूँ और सोनू जी बहुत वर्सटाइल सिंगर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी वर्सटैलिटी दिखाऊँ, अपनी सिंगिंग दिखाऊँ, इसलिए हर किस्म के गाने मुझे गाने आने चाहिए, इसलिए शंकर जी का गाना। Now over to judges, Salim. Shivam. जी सर। You are a very versatile singer. Thank you sir. मैंने पहले भी कहा है ये, you have all the potential of being the Indian Idol. Thank you, sir. आपकी वॉइस की जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, वो वेरी यूथफुल है, बहुत नई है, और आप बस थोड़ा सुर पे और ध्यान दीजिए और थोड़ा मेहनत कीजिए प्लीज। जी सर, यू विल रॉक। सुनी दीजिए, आज मैं आपको एक नाम देना चाहती हूँ। जी, जैसे आप लग रहे हैं और जैसे आप हैं, आप एकदम जेरी माउस लगते हैं। बिकॉज यू आर वेरी क्यूट, यू आर माई जेरी माउस, और आज आपने मुझे अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर दिया। थैंक यू मैम। लेकिन शिवम, अब ये जो मैंने आपको जिस तरह से गाते हुए देखा, ये आखिरी बार होना चाहिए। अब से मैं आपको थोड़ा तेरे नैना तेरे, आई वॉन्ट यू टू ओपन अप। यस मैम। अभी आप सीधा तेरे नैना रे यहीं तक है ना, आपकी शोल्डर्स देखो ऐसे। या थोड़ा सीना फाड़ के, so, come on, come on, ये वाह, ये बात, शिवम जी कैसे कैसे खड़े रहोगे अब? अरे यार ये फेल हो जाओगे, यहीं फेल हो जाओगे, यहाँ हाथ डालो तो फेल हो जाओगे सीधा। सुनिधि जी, ऐसा है अभी भी समझ नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि शायद आपको स्टेज पे आके इन्हें समझाना पड़ेगा। प्लीज
जैसे अगर मैं लड़का होती तो मैं आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन. सो तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना रे, ओ ऐसे नैनों की बातों में दिल क्यों ना माने. तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे. शिवम लग जा काम पे, शिवम जल्दी से. ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए. हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे. Thank you, Sunidhi ji. Thank you very much. Thank you. Anu ji, aap bataiye sir. कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? यार मैं तो इस परफॉर्मेंस में इतना खो गया था तेरे नैना के सुनिधि को देखते देखते, मुझे याद ही नहीं रहा शिवम के लिए कुछ कहना पड़ेगा. यार क्या यार, हद है यार. चलो शिवम, अब आ जाते हैं असलियत पर. पहला गाला लाइव म्यूजिशियंस. शिवम तुमने इसको ऐसा निभाया कि मुझे आज ऐसा महसूस हुआ है कि इंडियन आइडल में एक प्लेबैक सिंगर आया है. प्लेबैक सिंगर क्या होता है? आप सोनू को प्यार करते हो जो एक जबरदस्त प्लेबैक सिंगर है. सबके अपने अपने पसंद होती है. मुझे लगता है ऐसा सिंगर अभी फिर आ ही नहीं सकता, इतना जबरदस्त सिंगर है. तुम उसको आइडल अपना मानते हो, विच इज वेरी गुड. आज जब तुमने ऐसा इस गाने को पेश किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं जब सुन रहा था, मुझे लगा कि अगर ये लड़का माइक पर हो, उसको कोई गाना दिया जाए, जितने तुम छोटे हो ना हाइट में, तुम्हारी आवाज उतनी भरी हुई आवाज है. हम कहते हैं ना, जब आप माइक पर जाओगे ना, तो उसके जो मॉनिटर्स होते हैं ना, वो हिल जाएंगे. हम लोग स्पीकर बोलते हैं उसके. मुझे ऐसा लगता है दिल भी गूंजता है. देयर इज अ गूंज एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ सिंगर. सुनिधि ने तुम्हें बोला कि तुम उसके जेरी माउस हो. मैं तो समझता हूँ तुम कैट हो जो सब पर भारी हो. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.